ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम, 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए, होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर के निर्माण की बात की और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, हमारे रामलल्ला जो विराजमान हुए, उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनंदन करता हूं और उसी के बारे में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलल्ला की दर्शन की आस लगाए, चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिले, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, रामलल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए, होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा, लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलयुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है, किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो ना रहो, वो रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए।